कुछ नहीं करना था क्या करना था पाप, तेरे पापा को दे दिया मैंने कहा आप दूसरे पाँच पाँच सौ के दे दो ये आप जैसे मर्जी यूज करो मतलब जो सारे छुपा छुपा के रखे थे एंड में देने उन्हीं को पड़े और क्या एक्सपोज हो गए <laughs> सारा कुछ <भी। laughs> लेकिन ये वीडियो वायरल होने का कोई फायदा भी हुआ नहीं क्या फायदा हुआ मैंने लोगों को बोला मैंने कहा मेरा पेज फॉलो करो न्यू लीव फैशन स्टोर वो कर नहीं रहे हैं उल्टा मेरे फॉलोअर और कम हो गए और कितनी सेल्फ प्रमोशन करोगे मैं इतनी सेल्फ प्रमोशन करूँगी जितनी ये वाली वीडियो है उतना मेरा पेज करो मेरा थोड़ा काम चले मेरे आगे ही सारे नोट चले गए सब्जी मंडी में गई ना एक बंदा आगे चला गया दोबारा वापस आया ऐसे मुड़के देख रहा था कि ये ये वही लेडी है जो में वीडियो में थी, दो दो हजार के नोट गिन रही थी वही लेडी है जो दो दो हजार के नोट गिन रही थी कल से मेरी माँ मेरी माते कम से कम पचास बार अपनी वीडियो खुद सुन चुकी है और पांच पांच मिनट के बाद रिफ्रेश मार के देखी ओह अस्सी के होगी ओह एक सौ साठ के होगी ओह दो सो के होगी लास्ट नंबर कितना था अभी दो सौ छब्बी के दो सौ छब्बी के होगी है मुझे बताओ कोई खुशी हो रही है वीडियो वायरल हुई है वही तो मैं सोच सोच के हैरान हो रही हूं कि हमने रैंडमली बात की थी इस इतनी वायरल होगी वीडियो लोगों को मतलब पसंद आया कि आपने कितनी सच्चाई के साथ बताया कितनी बोला दुख दर्द बोला मैंने बिल्कुल सच है पहले लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि मैंने बोला क्या लोगों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पता किसमे है की नोट कितने निकले हैं

कुछ नहीं करना था क्या करना था पाप, तेरे पापा को दे दिया मैंने कहा आप दूसरे पाँच पाँच सौ के दे दो यूज करो मतलब मैंने लोगों को बोला मैंने कहा मेरा पेज फॉलो करो न्यू लीव फैशन स्टोर वो कर नहीं रहे हैं उल्टा मेरे फॉलोअर और कम हो गए लोगों को बोल रही हो मेरा पेज फॉलो करो न्यू लीव फैशन स्टोर न्यू लीव फैशन स्टोर वो कर नहीं रहे हैं उल्टा उसमें फॉलोअर और कम होते जा रहे हैं पता नहीं क्या है क्या मतलब तो? आप आपने नीचे कमेंट किया था मैंने देखा मेरे पेज के, सेल्फ करने के लिए वो आप इतने कॉमेंट आगे कॉमेंट हो गया नहीं रहा है न्यू न्यूज फैशन स्टोर वो कर ही नहीं रहा कोई भी तीन बार नाम ले चुके और कितनी सेल्फ प्रमोशन करोगे मैं इतनी सेल्फ प्रमोशन करूंगी जितनी ये वाली वीडियो है उतना मेरा पेज करो मेरा थोड़ा काम चले मेरे आगे सारे नोट चले गए थोड़े नोट तो आए अच्छा मुझे बताओ लोगों की जानकारी के लिए कि क्या काम करते हो कहाँ काम करते हो कैसे आप तक पहुंचा जाए मेरी शॉप पटेल बाज़ार में है सरीन एक्सक्लूसिव के नाम से रेडीमेड कपड़ों का बिज़नेस करती हूँ पिछले पच्चीस साल से और मैंने अपनी शॉप पे सब मिक्स रखा हुआ है मेरे पास ब्रांडेड कपड़े भी हैं और कैजुअल कपड़े भी हैं तो मैं सारे लोगों से कहना चाहूँगी कि आप मेरी शॉप पे आओ और मेरी कलेक्शन देखो अगर पसंद आती है तो लो